बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जिस हसीना को अपनी फिल्म ऑफर कर दी वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है सलमान खान के साथ काम करना हर अदाकारा का ख्वाब है भाईजान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्में 300 करोड़ से कम का कारोबार करती ही नहीं हैं इसके बावजूद भी इंडस्ट्री में एक हसीना ऐसी है जिसने सलमान खान की फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था हम मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि इस बात का खुलासा खुद उस अदाकारा ने ही किया था हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की जिनका आज जन्मदिन है श्रद्धा कपूर जब मात्र 16 साल की थी तब सलमान खान ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी श्रद्धा कपूर अगर यह ऑफ़र स्वीकार कर लेती तो उनका डेब्यू भाईजान के अपोजिट होता लेकिन आशिकी दोगल ने पढ़ाई पर फोकस करने के चलते भाईजान का यह ऑफ़र ठुकरा दिया था श्रद्धा कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए बताया था जब मुझे उनकी तरफ से फिल्म का ऑफ़र आया था तब मेरी उम्र मात्र पंद्रह माइनस साल थी मुझे उस समय लगा कि फिल्मों में काम करने से पहले मुझे स्कूल खत्म करके कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी चाहिए मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ लेकिन उस ऑफर को ठुकराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था मैंने पढ़ाई के चलते वो ऑफर ठुकराया था उदाहरण, श्रद्धा कपूर ने भले ही सलमान खान की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू न किया हो लेकिन फिर भी वो आज बड़ी स्टार हैं श्रद्धा कपूर न केवल आज बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही हैं बल्कि वो साउथ स्टार प्रभास के साथ भी वो फ़िल्म कर चुकी हैं अगर श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो जल्द ही रणबीर कपूर और लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म में नजर आएगी जिसकी शूटिंग इन दिनों चल रही है